hello i'm Dar Shaukat and today in this lecture we will try to know about what is non-governmental organization or what is ngo the full form of ngo is non-governmental organization the ngo means that organization which not directly the part of the structure of any government it means that these are non-governmental they do not have any connection with the government and इनके फंड्स जो आते हैं वो कभी गवर्नमेंट नहीं देती है ये खुद अपना फंड्स रेज कर लेते हैं सो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज दैट डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अब ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये कब वजूद में आए आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ द यू एन ओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस इन नाइनटीन फोर्टी फाइव ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर सो उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आने लगे जिनको हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या होता है इट्स मेनली डेल्ट विद ह्यूमटेरियन इशूज़ लाइक ह्यूमन राइट्स के जो इशूज़ होते हैं कि ह्यूमन अपना human, human, human की डिगनिटी की मैंटेन रहे उसके उसके राइट्स का वायलेशन ना हो सो so उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन देख लेता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते वही देख लेते हैं पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट तरह के एन जी ओज़ हैं जिनके डिफरेंट नेम्स हैं इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बहुत बड़ा एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस या कहते हैं रेड क्रॉसेंट मूवमेंट इन द वर्ल्ड ये कुछ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ह्यूमटेर एनजीओ है जिनको हम मानते हैं सो द रेड क्रॉस एंड द द रेड आर लार्जेस्ट एनजीओज विच वर्कस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सो सिंपल नॉट डायरेक्टली part of structure of any government and they always works for the protection of human rights the biggest non-governmental organization in the international level is international red cross and red crescent who works for the humanitarian issues logo rights and also works for the sustainable development as well so this non-governmental organization works for the sustainable development and protection of the human rights thank you so much before concluding my topic i am requesting my all well wishers do not forget to subscribe my channel the name of my channel is Oshin's Education Origin of Creative Energies and Neuroscience started by Dar Shaukat. Thank you so much.